सर, कल आप फिजिक्स में क्वांटिटीज पढ़ा रहे थे। क्वांटिटीज का मतलब राशियां, ठीक है ना? तो दो लेक्चर्स में जितना होगा था राशियां हमने बताई थी, दो प्रकार की होती है, ठीक है ना? फर्स्ट ऑफ दैट वेक्टर वेक्टर क्वांटिटीज और सेकंड ऑफ दैट स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है ना? ये इतना हमने बताया था आपको। इसके अलावा क्या वेक्टर क्वांटिटीज, वो क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपकी दिशा की भी जरूरत होती है, मतलब दिशा और परिमाण दोनों की जरूरत होती है, उनको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। और जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है उनको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज, ठीक? वेक्टर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज। इसके अलावा मैंने बताया था कि वेक्टर क्वांटिटीज जो होती है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं उसे एरो के द्वारा, ठीक है ना? कोई भी सिंबल होता है किसी भी क्वांटिटीज का, उसके ऊपर हम सिंबल लगाते हैं, एरो का सिंबल लगाते हैं, उसको वेक्टर क्वांटिटीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना? और ये वेक्टर ये जो सिंबल होता है वो दिशा बताता है, ठीक है ना? ये सिंबल होता है वो दिशा का सिंबल होता है, क्योंकि क्वांटिटीज में जो नंबर होता है तो उसका परिमाण होता ही होता है। इसके अलावा जिसके ऊपर ये सिंबल लगा दिया जाता है वो दिशा बताता है, दिशा के अंदर उसको वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं, ठीक है? इतना हमने कल बता दिया था। इसके आगे हम पढ़ते हैं वेक्टर क्वांटिटीज कितने प्रकार की, कितने प्रकार की वेक्टर क्वांटिटीज होती है, ठीक है? चलिए तो आगे देखते हैं। ये देखिए वेक्टर क्वांटिटीज फर्स्ट, ठीक, कौन सी? इक्वल, इक्वल वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है ना? इक्वल वेक्टर क्वांटिटीज, इक्वल वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है? इक्वल वेक्टर क्वांटिटीज वे क्वांटिटीज होती है जो दिशा और परिमाण में सेम, दिशा और परिमाण में सेम। ऐसे हम अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि वे क्वांटिटीज, वे वेक्टर क्वांटिटीज जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी सेम होती है, या फिर ऐसा लिख सकते हैं कि वे वेक्टर क्वांटिटीज जो पैरेलल, पैरेलल का मतलब होता है एक दूसरे के समांतर, जो एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर ना बनाए, उन्हें कहते हैं पैरेलल क्वांटिटीज। और वो पैरेलल क्वांटिटीज जो परिमाण और दिशा, क्योंकि वेक्टर्स में दोनों चीजें होती है, परिमाण भी होता है और दिशा भी, तो वो वेक्टर क्वांटिटीज जो परिमाण और दिशा में सेम होती है, सेम डायरेक्शन में चलती है, सेम तरीके से चलती है, उन्हें हम वेक्टर, इक्वल वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं, ठीक? अब जैसे हमने बता दिया है ना, इसको हमने नाम दे दिया ए, ठीक है? और एक है बी, ये दोनों परिमाण में सेम, मतलब इसका परिमाण यहां से यहां तक इसका परिमाण दोनों का सेम, इसे हमने मान लिया जिसे हमने बी। लेकिन यदि इसको हम इनके बीच की जो दूरी है वो हमेशा कैसी रहेगी? बराबर है, इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहेगी, इनको हम हमेशा कहेंगे इक्वल, ठीक? क्यों? क्योंकि ये परिमाण में भी सेम है और दिशा भी दोनों कैसी है? एक ही है, है ना? अगर एक ये है तो दूसरा ये है, ठीक? इन दोनों की दूरी जो है सेम है, बट इनमें क्या है, इसमें दिशा इस तरफ को जा रही है और इसकी दिशा ये इस तरफ। अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे ये घट जाएगी, इसको आगे बढ़ाएंगे ये एक दूसरे को यहाँ पर क्रॉस करें, तो क्रॉस नहीं करता क्योंकि पैरेलल होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए ताकि वो एक दूसरे को कभी किसी भी पॉइंट पर क्रॉस ना करे, ठीक? तो जो कभी किसी भी पॉइंट पर क्रॉस नहीं करते हैं, इक्वल होती है, उनको हम कहते हैं इक्वल वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है? इक्वल वेक्टर क्वांटिटीज। आप इसके बाद दूसरा दूसरी क्या होती है? अपोजिट, अपोजिट वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है ना? ये क्या
अपोजिट वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, अपोजिट वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। अपोजिट वेक्टर क्वांटिटीज का मतलब होता है एक दूसरे के विपरीत, है ना, जैसे कि एक यहां पर जा रही है एक यहां पर, है ना। इसमें भी एक पॉइंट है, क्या पॉइंट है कि अपोजिट वेक्टर क्वांटिटीज में हमेशा ही इनका परिमाण जो है वो सेम होगा। कहने का मतलब वो राशियां या वे राशियां, वे राशियां जिनमें परिमाण एक सा या कहो बराबर एवं दिशा विपरीत होती है, क्या कहलाती है वो, अपोजिट वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती है। मतलब राशियां कैसे होंगी, सेम होंगी, मतलब जैसे ए ये है, दूसरी ये है, ये कैसे होंगी, बराबर होंगी, इनका परिमाण बराबर होगा। अगर ये ए है इसके बीच की दूरी, तो इसके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, ए, ठीक है, तो इनका परिमाण बराबर होगा। अगर एक पेन 4 केजी का है तो दूसरा पेन क्या केजी का होना चाहिए, सेम 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 ना। तो जब सेम सेम होते हैं तो उनकी दिशा कैसे होती है, अलग अलग, अलग अलग का मतलब एक दूसरे के विपरीत, है ना, एक दूसरे के विपरीत होनी चाहिए। एक और दोनों कैसे होनी चाहिए, दोनों आपकी पैरेलल होनी चाहिए। पैरेलल का मतलब जो एक दूसरे को कहीं पर ना, जैसे कि फोर, है ना, फोर हम इधर से लगा रहे हैं कितना 12, अगर हम इधर से 12 लगा रहे हैं तो ये होगा हमारा एफ बराबर 12, और इधर से भी 12 लगा रहे हैं ऐसा, है ना। कोई भी चीज है जिसको हम दो तरीके से फोर्स लगा सकते हैं, जैसे इधर से जिस चीज पर हम इधर से भी 12 का फोर्स लगाए और इधर से भी 12, तो क्या 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 उत्पन्न होगा कि ये मान लो चौक है, हम इस पर इधर से एफ लगा रहे हैं इतना है जो 12 मीटर, ठीक है, और इधर से भी एक फोर्स लगा रहे हैं जो कितना है 12 न्यूटन। तो दोनों एक दूसरे के समांतर लग रही है और दोनों एक दूसरे से विपरीत भी हैं और दोनों बराबर भी है ना। तो जब ऐसी पोजीशन होती है, जिन ऐसी फंक्शन में ऐसा पोजीशन होती है, उनको हम क्या कहते हैं, अपोजिट वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है, उनको कहलाते हैं अपोजिट वेक्टर क्वांटिटीज। दो हो गए, एक इक्वल हो गया, एक अपोजिट, ठीक है। अब तीसरी समझ में आया आपका, अब इसके बाद आता है तीसरी वेक्टर, ठीक है। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है यूनिट वेक्टर, ठीक, यूनिट वेक्टर, ओके। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट को हम हिंदी में वैसे भी समझ सकते हो आप एकल, क्या कहते हैं एकल, एकल का मतलब होता है, एकल का मतलब एक मतलब एक तो होगा, मतलब जिसका परिमाण एक, ऐसा यूनिट या ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण कितना हो एक, दिशा कोई भी, कोई भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, दिशा उसकी जो है कोई हो, लेकिन क्या परिमाण हमेशा क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए या एकल होना चाहिए, ठीक। वैसे दिखाई दे रहा है आपकी, हाँ दिखाई दे, ठीक है। तो उसका परिमाण जो है हमेशा एक होना चाहिए या एकल होना चाहिए, उसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर, ठीक है, उसको यूनिट वेक्टर, ठीक। अब एकल वेक्टर में होता क्या है, एकल वेक्टर जो होता है हमारा उसका परिमाण हमेशा एक होता है, तो दिशा उसकी दिशा कोई भी हो सकती है,
ओके थैंक यू।